खोराबाड़ थाना क्षेत्र के कुसमेही जंगल में कार सवार बदमाशों ने कुशीनगर के गल्ला व्यापारी से 6,56,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि व्यापारी हाजीपुर बिहार से गोरखपुर ट्रेन से आए थे, तभी रास्ते में कार सवारों ने कुशीनगर पहुंचने के लिए गाड़ी में बैठा लिया। जैसे ही गाड़ी जंगल में पहुंची, बदमाशों ने रुपए लूट लिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर खोराबाड़ थाने पहुंचे और जांच पड़ताल की। व्यापारी की पहचान रमाकांत जायसवाल पुत्र डोमा सेठ निवासी हाटा थाना कोतवाली जिला कुशीनगर के रूप में हुई है, जो कि गल्ला व्यवसायी है। वह कई वर्षों से कुशीनगर से गल्ला हाजीपुर बिहार भेजते हैं और रुपए के लेन देन करते हैं। रामाकांत बृहस्पतिवार को हाजीपुर बिहार एक फ्लावर मील में पैसे लेने गए थे। बैंक बंद होने के नाते उन्होंने 6,56,000 नगद बैग में रखकर लखनऊ बरौनी ट्रेन से छावनी रेलवे स्टेशन गोरखपुर पहुंचे। वहां से पैदल आर्मी पब्लिक स्कूल एम्स गेट के पास बस का इंतजार कर रहे थे, तभी एक सफेद रंग की कार से 3 लोग पहुंचे, जिसमें 2 लोग पीछे की सीट पर बैठे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसने आवाज दिया कुशीनगर चलना है, तो पीड़ित ने कहा कि हमको हाटा चलना है। उसके बाद व्यापारी उसी कार में बैठ गया। आगे एयरफोर्स के पास आने पर उसमें से एक व्यक्ति ने यह कहते हुए उनका मोबाइल मांगा कि अंकल कहीं फ़ोन करना है, ज़रा सा मोबाइल दे दीजिए। उन्होंने अपना मोबाइल उसको दे दिया तो उसने मोबाइल से सिम निकाल कर फेंक दिया। जब विरोध करना शुरू किए तो 3 लोगों ने व्यापारी को मारना शुरू कर दिया। कुसमेही जंगल में लाकर बैग में रखा 6,56,000 रुपये ले लिया और जगदीशपुर चौकी अंतर्गत उतार कर फरार हो गए। पीड़ित किसी तरह इसकी सूचना जगदीशपुर चौकी पर दिया। आनन फानन में चौकी इंचार्ज राम मनोज सिंह अपने पुलिस कर्मियों के साथ लेकर जांच पड़ताल करने लगे। कई जगह पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा भी खंगाला, मगर कहीं अभी तक कोई पता नहीं चल सका। वहीं घटना की सूचना मिलने पर डीआईजी जे रविंद्र गौड़, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी श्री कृष्ण कुमार विश्नोई के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित व्यक्ति से घटना की जानकारी ली, मगर अभी तक लुटेरों का पुलिस पता नहीं लगा पाई। वहीं इस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि घटना की छानबीन की जा रही है। घटना का खुलासा करने के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।